हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति त्रिपाठी वंस अगेन विद ऑल ऑफ़ यू। आज का वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने टीजीटी का इंटरव्यू दिया है या देना है। मैंने जो मेरा पहला एक्सपीरियंस इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज़ आए थे, जिसके लिए मैं हमेशा ही आपके लिए थैंकफुल रहती हूँ। एंड उस पर रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप टीजीटी के लिए भी थोड़ा सा गाइड कर देंगे तो अच्छा रहेगा, लेसन प्लान कैसे बनाना है, टीएलएम कैसे बनते हैं एंड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना टीजीटी का सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना करके मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर देती हूँ। आज मैं टीजीटी मैथ्स के लिए वीडियो बना रही हूँ। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप इसे शेयर करें। आप शेयर करते हैं, लोगों को पता चलता है, वो आकर के अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, तो हमें और मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एंड अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे कि टीजीटी मैथ्स के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कूल की तरफ से कॉल लेटर आता है, मेल आता है ना, मेल में आपको लेसन प्लान दिया रहता है। किसी किसी जगह पे नहीं देते हैं तो वो एक अलग है, ऑप्शनल है, बट मैंने अभी तक जितने लोगों से पूछा है उनके मेल में लेसन प्लान दिया गया था। तो किसी को स्टैटिस्टिक दिया गया था, किसी को एपी दिया गया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किसी को वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया दिया गया था। इस टाइप से अलग अलग टॉपिक के लेसन प्लान बनाने के लिए दिए गए थे। अब उन्होंने मुझे व्हाट्सअप करके पूछा कि मैम इसको कैसे बनाया जाए लेसन प्लान, आर्मी पब्लिक स्कूल वाले कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरा आपको सिंपल सा कहना है कि वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास लेसन प्लान होना चाहिए। अब आप उसे हैंड रिटन बनाएं या फिर आप कंप्यूटर में टाइप करके बनाएं, लेसन प्लान होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें टॉपिक तो आप वही रखेंगे कि आपने टीचिंग एड क्या यूज़ किए या फिर आपने टीचिंग मेथड्स क्या यूज़ किए, एंड उससे जो प्रीवियस नॉलेज होती है बच्चों को वो उस टॉपिक के रिगार्डिंग है या नहीं है। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको लेसन प्लान में लिखनी होती है। मैंने गूगल से सर्च करके कुछ निकाला था, ये देखिए मैंने साइड में लगाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, जो मैंने दूसरों को हेल्प करने के लिए गूगल सर्च करके दिया था। इस टाइप से भी आप बना सकते हैं या फिर आप अपना जो बीएड में बनाया था ना, पेन पेंसिल लेके लाइन ड्रॉ करके, वैसे भी बना सकते हैं। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कितना अच्छा आप बनाते हैं। उनको ये रहता है कि हाँ इस पर्टिकुलर टीचर को लेसन प्लान बनाना आता है, क्योंकि अगर आप APS ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपसे लेसन प्लान बनवाए जाते हैं, डेफिनेटली बनवाए जाते हैं। मैंने खुद इतने सारे बनाए हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों से बनवाए जाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी सब्जेक्ट में लेसन प्लान बनवाए जाते हैं, TLM का भी यूज़ करवाया जाता है। अब आ जाते हैं कि इंटरव्यू शुरू कैसे हुआ। तो जैसे मेरा हुआ था वैसे ही इन लोगों का भी हुआ, 8 बजे बुला लिया गया था। एंड देन उसके बाद इनको पैराग्राफ राइटिंग, जो मैंने बोला था ना कि एक टॉपिक देते हैं एंड एसे टाइप में या पैराग्राफ राइटिंग टाइप में हमें लिख के उन्हें देना होता है, जिसमें वो हमारी ग्रामर वगैरह चेक करते हैं, हम कैसा सोचते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, हमारी थिंकिंग क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें देखते हैं। देन उसके बाद CBT टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें हमारा वर्ड, PPT एंड एक्सेल, ये तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। इस बार इन्होंने बोला था कि गूगल से पेपर डाउनलोड करने का भी बोला गया था, मेरे टाइम पे नहीं बोला गया था, ऐसा इन्होंने बताया है कि गूगल से पेपर डाउनलोड करके दिखाइए, तो वो भी पूछा गया था। एंड फिर इसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के लिए अब TGT है तो अलग अलग सब्जेक्ट के कैंडिडेट आते हैं, मैथ्स के भी गए थे, वो टॉपिक मैंने आपको बता दिया। लेसन प्लान से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो पर्टिकुलर लेसन प्लान था, और उसके अलावा भी पूछे गए थे, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ TGT के लिए इंटरव्यूअर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, फिर कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। मैथ्स रहेगा तो आपसे फॉर्मूले पूछ लेंगे या कोई डेरिवेशन दे देंगे, पाई की वैल्यू पूछ लेंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों होती है, कुछ और क्यों नहीं होती, डिराइव करके बताइए। तो इस टाइप से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, सो बी प्रिपेयर। एंड एक से पूछा गया था कि मेन मोड मीडियन क्या होता है, इनमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्या होता है, एंड प्रैक्टिकल लाइफ पे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका रीज़न क्या है। अभी हमारा एक वर्कशॉप हुआ था, उसमें जो वर्कशॉप कंडक्ट किया था उन्होंने बताया कि मैं मैथ्स की टीचर हूँ, एंड बच्चे डायरेक्टली हमसे पूछते कि मैम ये जो स्टैटिस्टिक हम पढ़ रहे हैं या जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं इसका हमारे लाइफ में क्या यूज़ है। एंड अगर आप मैथ्स के टीचर हैं ना, आपसे भी पूछते होंगे, मुझसे तो बहुत पूछते थे जब मैं पहले
नाइन टेंथ को पढ़ाती थी, मेरा नाइन टेंथ का भी एक्सपीरियंस है मैथ्स पढ़ाने का। तो जब मैं पढ़ाती थी तो वो लोग मुझसे भी पूछते थे बच्चे कि मैम ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है और इसका आगे क्या यूज़ है। उसका रीज़न यही था कि उनका जो बेसिक है ना वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, तो उन्हें लगता था कि ये उनके किसी काम आएगा भी या नहीं आएगा, और अगर नहीं आएगा तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए APS में, KVS में एंड NVS में प्रैक्टिकली सिखाई जाती हैं चीज़ें। ऐसे नहीं कि हाँ बस लेसन है, हमें सीखना है, फॉर्मूले याद कर लिए एंड वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिए, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉपर सिखाया जाता है, बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट कराया जाता है, उनका जो मैथ्स के रिगार्डिंग फोबिया है वो दूर होना चाहिए। इवन कभी कभी तो पेरेंट्स को भी मैथ्स का फोबिया होता है, हमें उन्हें भी काउंसिल करना पड़ता है कि इतना टफ नहीं है, हमें और आपको मिल करके बच्चे को सपोर्ट करना होगा। तो इसके लिए इंटरव्यू में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मीन क्या है, मोड क्या है, मीडियन क्या है, इसका हमारे लाइफ में क्या यूज़ होने वाला है, कहाँ पे हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा तो बच्चे पूछते हैं मैम साइन कॉस थीटा की वैल्यू याद कर ली, अब इसे हम यूज़ कहाँ करेंगे। तो ये चीज़ें आपको उन्हें बतानी आने चाहिए। लेसन प्लान बनाना कैसे है, एक तो ये मैंने डाल दिया, इसके अलावा मैं एक और वीडियो बना दूंगी जो सिर्फ लेसन प्लान पे ही बेस्ड होगा। उसके भी रिक्वेस्ट आए थे आप लोगों की तरफ से एंड TLM के रिगार्डिंग भी आए थे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप PGT का देने जाओ, TGT का इंटरव्यू दो या PRT का, तीनों में ही आपके पास लेसन प्लान एंड TLM होना ही चाहिए। अगर आपके पास लेसन प्लान नहीं है तो ये सबसे बुरी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर तो लेसन प्लान को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड TLM ये रिप्रेजेंट करता है कि टीचर को सिखाना कितने अच्छे से आता है, टीचर कितने अच्छे से स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकते हैं क्लास में, कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो APS है ना, यहाँ पे स्पेशल चाइल्ड भी काफ़ी होते हैं एंड हम उन्हें हमारे बाकी स्टूडेंट्स के साथ ही लेकर चलना पसंद करते हैं। तो TLM कुछ ऐसा होना चाहिए जो उन स्पेशल स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल हो, उनके लिए अलग से टीचर नहीं रखे जाते कि वो उनके पढ़ाएंगे यहाँ पे टीचर, नहीं, हमारे लिए सभी इक्वल हैं, सभी बच्चे इक्वल हैं। तो तीन चार मेथड ऐसे होना चाहिए कि एक मेथड से बच्चे को नहीं आया तो कोई दूसरा मेथड हो जिससे हम उन्हें समझा सके। तो TLM होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, ये कुछ YouTube पे आपको इस टाइप से TLM देखने मिल जाएंगे। मैं इतना टाइम नहीं रहता कि मैं आपको बना बना करके दिखाऊं TLM कैसा होता है, लेकिन Google पे, YouTube पे सब मिल जाता है, लेसन प्लान कैसे बनाना है, TLM कैसे बनाना है। ये देखिए पूरा का पूरा एक चैनल ही इन्होंने बना के रखा है, इसको जा करके सर्च कीजिए, इससे हेल्प लीजिए। फिर भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। तो ये हो गया सारा बेसिक, इतना ही पूछा गया था TGT में। हाँ ये है कि क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, क्योंकि उन्हें ये भी चेक करना होता है कि जो टीचर हम 9th-10th के लिए हायर कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ने पर ये 11th-12th को भी पढ़ा सकते हैं या नहीं, और ये क्वेश्चन वो पूछते ही पूछते हैं। मेरा तो PRT का इंटरव्यू था बट मेरा MSc केमिस्ट्री था, और ये बात उन्हें पता थी इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि आप 11th-12th को केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो क्या। तो वो टाइम पे तो मेरा एक्सपीरियंस था नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने उन्हें बोला कि मेरा एक्सपीरियंस 9th-10th तक का ही है, 11th-12th को मैंने नहीं पढ़ाया है, बट मैं क्विक लर्नर हूँ, सीख करके सिखा सकती हूँ, इस टाइप से कन्वेंस कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और भी ऐसे कैंडिडेट थे जिनका इतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं था, उन्होंने सिर्फ लेसन प्लान को ही प्रिपेयर किया था, बट आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उन्होंने डायरेक्टली ऐसा बोला कि सर जो लेसन प्लान है ना, मैंने सिर्फ उतना ही प्रिपेयर कर पाया है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाया, तो आप मुझसे इससे ही रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछिए। अब कॉन्फिडेंट होकर ये बात बोल तो दी, लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछें तो उसके रिगार्डिंग आपको आंसर करना आना चाहिए। एटलीस्ट वो टॉपिक इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो आपसे कन्वेंस हो जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमने ऐसे बोल दिया तो अब मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी ऑनेस्टी है, और ऑनेस्टी उन्हें बहुत पसंद आती है कि टीचर ने जो है वो क्लियरली हमें बताया। बट अब वो जो दो टॉपिक है ना, वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए, उसके बेस पे भी आपका इंटरव्यू अच्छा हो सकता है। नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनका इंटरव्यू अच्छा होता है वो भी नर्वस होते हैं, नहीं होता वो तो होते ही हैं नर्वस। बट आप अपने आप पे बिलीव रखिए, अपना 100% दे के आइए, या तो सिलेक्शन होगा या तो आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट
वीडियो मैं सोच रही हूँ कि HM के इंटरव्यू कैसे होते हैं उस पे बनाऊँ। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए है कि HM का इंटरव्यू कैसे होता है, क्या 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 चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम उस पे बनाएंगे। एंड इसके अलावा भी 3-4 वीडियो आने वाले हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।